कैंट पुलिस ने ओएलएक्स के माध्यम से गाड़ी खरीदने व देखने के बहाने गाड़ी को लेकर बाहर जाने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर रानी डीहा तिराहे के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान बबलू कुमार सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी ग्राम छोटा कल्याणपुर माधोपुर थाना बरौली जनपद गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की एक पल्सर 200 सीसी मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि इनामुल्लाह पुत्र जहुरुल्लाह निवासी बिलमापुर मकान नंबर 70 अल सुबहान थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर द्वारा अपनी बजाज पल्सर 200 सीसी पीले रंग की को बेचने के लिए ओलेक्स पर डाला था। तब अभियुक्त बबलू कुमार सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी ग्राम छोटा कल्याणपुर माधोपुर थाना बरौली जनपद गोपालगंज बिहार द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल मालिक इनामुल्लाह से उनकी गाड़ी खरीदने के लिए मोबाइल से संपर्क किया व गाड़ी देखने चलाने की बात की गई और 2 फरवरी को बबलू कुमार सिंह अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट गोरखपुर पर चार पहिया वाहन से आया और वहां पर एक चार पहिया वाहन बुक किया तथा उस चार पहिया वाहन के ड्राइवर से मुकदमा वादी इनामुल्लाह से वार्ता कराया और झारखंडी महादेव गेट पर बुलाया तथा चार पहिया वाहन के ड्राइवर से वहां से लौटने पर पैसा देने की बात कही तथा चार पहिया वाहन से झारखंडी महादेव गेट पर पहुंचकर वादी मुकदमा मोटरसाइकिल मालिक इनामुल्लाह जो अपनी गाड़ी बजाज पल्सर R200 सीसी को लेकर आया हुआ था से कहा कि जो चार पहिया वाहन चला रहे हैं मेरे बड़े भाई हैं, उनसे अपनी गाड़ी की प्रशंसा कर दीजिए, मैं गाड़ी चेक करके आ रहा हूँ तब पैसे देकर जाऊँगा। तब अभियुक्त बबलू कुमार सिंह गाड़ी चलाने व चेक करने के बहाने से वहां से गाड़ी लेकर भाग गया, जिस पर पीड़ित इनामुल्लाह द्वारा थाना स्थानीय थाने पर दिनांक 2 फरवरी को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया गया, जिसको देखते हुए 12 फरवरी को चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए मुख्य अभियुक्त बबलू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं इस संबंध में वादी इनामुल्लाह ने कहा कि मैंने ओलेक्स पर अपनी गाड़ी बेचने के लिए फोटो डाला था, जिसको देख कर बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज और कॉल किया, जिस पर बबलू कुमार सिंह ने मुझे कॉल किया कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं और बताया कि मैं अपने भाई के साथ चार पहिया से आ रहा हूं, जिस पर मैंने उसे झारखंडी गेट पर गाड़ी देखने के लिए बुलाया और मेरे पास आया और बोला कि मेरे भैया से बात कर लो कि गाड़ी कितने में बेचोगे और मैं गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेकर आता हूँ। और बबलू कुमार सिंह ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और रफू चक्कर हो गया। तब उसके साथ के दूसरे व्यक्ति चार पहिया वाहन के ड्राइवर ने कहा कि क्या आप उसको जानते हैं, तो मैंने कहा कि उसने तो आपको अपना भाई बताया है। तब चार पहिया वाहन के ड्राइवर ने कहा कि उसने मेरी गाड़ी 700 रुपये में एयरपोर्ट से बुक करा कर आया है, जिस पर मैंने कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया और पुलिस ने 10 दिन के अंदर इस व्यक्ति को गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह काबिले तारीफ है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी प्रभारी अमित चौधरी, कांस्टेबल नीतीश यादव, कविंदर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित मोटरसाइकिल मालिक एवं वादी मुकदमा इनामुल्लाह और एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ओएलएक्स पे मैंने एक ऐड डाला था, जिसको देख करके मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया हुआ था।
तो मैंने कुछ ही लोगों को अपना नंबर शेयर किया था जिन्होंने मुझसे दाम की बात की थी। उसमें से एक इसने मेरा नंबर ले करके वहाँ से मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं आपकी गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो जब ये आया तो मुझसे बोला मैं अपने भाई के साथ फोर व्हीलर से आ रहा हूँ, और मैं बोला ठीक है आप झारखंडी गेट पर आ करके मैं यहाँ हूँ, आप वहीं देख लो गाड़ी। ये वहाँ पर गाड़ी देखने के लिए आया और जो साथ में व्यक्ति था वो अपने गाड़ी के पास खड़ा था। ये मुझसे बोला कि आप भैया से मेरे बात कर लो कितने में आप डील करोगे, और तब तक वो गाड़ी देखने लगा बैठ करके। फिर मुझे बोला मीटर में कितना चली दिखा दो। मैंने चाबी लगा के ऑन की और वो गाड़ी स्टार्ट करके बोलता है आगे यू टर्न है। तो मैं इसी में था कि हाँ उसके भाई भी हैं, इनके कार भी खड़ी है, थोड़ी मेरी लापरवाही थी, आप लोग सतर्क रहिएगा। मैंने उसको रोका नहीं बैठने से और वो गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। जैसे ही वो भागा तो दूसरे बंदे ने बोला कि क्या आप इनको जानते हैं? तो मैं बोला ये आपके भाई ही तो हैं, मैं आपको तो जान ही रहा हूँ, आपके भाई अभी मिलवाया और आपकी गाड़ी भी यहीं पे है। तब उसने बताया कि मैं तो कैब वाला हूँ और इसने मुझे 700 रुपये भाड़े में लेकर के एयरपोर्ट से आया था मुझे ये। तो फिर हमें पूरा खेल समझ में आया और फिर इसके पीछे जो है पुलिस ने पूरी मेहनत करके इनको 10 दिन के अंदर धर दबोचा गाड़ी के साथ में। 2 तारीख की घटना है ये, 2 फरवरी। पुलिस को तो मैं बहुत बहुत मतलब मैं बहुत आभारी हूँ पुलिस टीम का, और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस की इतनी बढ़िया का टीम ने काम किया कि बस 10 दिन के अंदर में मात्र मोबाइल नंबर से उसको कैसे कैसे पकड़ लिया और ला के सामने आज मुजरिम को खड़ा कर दिया। को एक घटना हुई थी इसमें OLX पे इमानुल्ला हैं, इन्होंने अपने दोपहिया वाहन है इनका बजाज पल्सर पीले रंग की, इसको बेचने का एक ऐड दिया था। उसी ऐड के क्रम में इनको लोगों ने संपर्क किया और कहा कि हम आपसे गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो बबलू कुमार हैं उसके 2 साथी मोहम्मद शरियार और कैश आजम, ये गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग आए एयरपोर्ट पे अपने 4 पहिया वाहन के साथ और फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी बुक की है 4 पहिया, उससे ये लोग वो वाला माल सामान देखने गए OLX वाला। फिर जब वो व्यक्ति को उनको ये कहा कि गाड़ी में मेरे भाई बैठे हुए हैं उनको ज़रा प्रशंसा कर दो तो हमारी गाड़ी खरीद लेंगे और तब तक हम आपकी गाड़ी चेक करते हैं, और उसके बाद ये उस गाड़ी को लेकर के निकल गए यहाँ से। उनको गिरफ्तार किया गया है, बबलू कुमार है, मुकदमा अपराध संख्या 89/22 धारा 379, 406, 411 थाना कैंट का है। इसका खुलासा हो रहा है, इसको रानीडिया तिराहे से आज 9:10 पर गिरफ्तार किया गया है, वो जेल भेजा रहा है और इसकी कार्रवाई की। इनका आपराधिक इतिहास जो खंगाल रहे हैं अभी हम लोग, अभी ये तो ये घटना ही पता है हमें, जैसे इसकी जानकारी होगी आप सबको बताएंगे। ये लोग गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं, टीम को वहाँ भेजा गया था, प्रभारी निरीक्षक कैंट के नेतृत्व में टीम गई थी और उन्होंने इनको पकड़ के लाए।